हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ व्रत के चावल। इसमें मैंने मूंगफली का तेल डाला है और साथ ही मैंने डाला है जीरा, अदरक, हरी मिर्च और अब मैं ये आलू डाल रही हूँ। बिल्कुल स्मॉल साइज़ में कटे हुए आलू हैं ये। इसको सॉटे कर लेंगे अच्छे से। सॉटे करने के बाद जो मैंने चावल है वो भिगो दिए थे, व्रत के सामक के चावल हैं, इसको अच्छे से धो के रख दिए हैं और अच्छे से वॉश करना होता है क्योंकि थोड़े गंदे होते हैं ये। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, व्रत का नमक है, कुटी मिर्च है और बस इसको अच्छे से हिला दिया। अब मैं पानी डाल दिया है, जितने चावल हैं उसे डबल से आप तीन गुना पानी डाल सकते हैं। अगर खिचड़ी बनानी तो तीन गुना, अगर चावल बनाने तो डबल। और अब मैं धनिया डाल दिया, खूब सारा धनिया, ताकि इससे चावल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसको हिला के अच्छे से मिक्स करके मैंने इसको कुकर को बंद कर दिया। दो से तीन सीटी आने पर इसको सिम पे करके, और देखिए हमारे चावल बिल्कुल तैयार है। 5 मिनट सिम पे करना है और इसको मैं खाऊंगी अब व्रत में। आप भी बनाइए अपने व्रत में, ये चावल बहुत ही अच्छे बनते हैं। सो देखिए, जय माता दी। सबको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी। और ये मैंने थोड़ा सा धनिया से गार्निश करा है, कितना अच्छा लुक आया है। सो बाय।